who's asking the questions? Me. You? All right. Well, टाइटल सुनते ही सपनों की चलाओ लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आपसे जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में साथ ही इस टाइटल के बारे में सपनों की छलांग है हमारे शो का नाम तो जाहिर सी बात है कि हम हर इंसान के अंदर वो जो एक सपना होता है जो उसे पूरा करना होता है जिससे उसे उसकी ज़िंदगी का मकसद होता है वो शो उसी पर आधार है और हमारा जो कैरेक्टर है राधिका यादव एक सिंपल सी लड़की है झांसी से बिलोंग करती है एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है प्यार से सब उसे गुड्डी बुलाते हैं घर पर क्योंकि वो है ही प्यारी सी छोटी सी और बहुत लोग उसे ढीठ पटिंगा भी बुलाते हैं क्योंकि बहुत ढीठ है जो चीज़ें वो ठान लेती है वो अचीव करके ही रहती है तो ये जो राधिका का पैशन है इंजीनियरिंग का जो उसे बड़ी कंपनी में मुंबई में जाके पूरा करना है तो इसी छलांग के बारे में है ये कहानी कि कैसे झांसी से मुंबई तक की छलांग मार के राधिका जाती है अपने सपने पूरे करने के लिए साथ ही जब मेघा को मालूम पड़ा कि उनको ऐसा कोई किरदार निभाना है तो उनका रिएक्शन क्या था टू बी ऑनेस्ट आई थिंक हर एक एक्टर उस एक रोल के लिए उस एक स्टोरी के लिए वेट करता है जिसे हम अक्सर ऐसे सोचते हैं काश ऐसा एक शो बनता और ये आई एम सो ग्रेटफुल दैट नीलांजना मैम एंड हीरम सर हैव कम अप विद सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट जो एज एन एक्टर मुझे सुनते ही इतना एक्साइटमेंट हो गया कि मैंने एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोचा मुझे सुनते ही ये शो करना था सो आई थिंक एज मेघा आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ऐसी कहानी बनी है और इसका हिस्सा हूँ मैं शोज तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन इस शो में क्या कुछ ऐसी खास बात है जो लोगों को पसंद आई थिंक अब तक ऐसा कोई शो मेरे नज़रिए में नहीं बना है टेलीविज़न में जैसा सपनों की छलांग है आई थिंक हम एक टिपिकल रास्ता नहीं अपना रहे डेली सोप का हम हर वो स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं हम हर वो पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं जो आप देखते आ रहे हैं टेलीविज़न में सबसे बिगेस्ट एग्जांपल इज़ कि ऑलमोस्ट हर डेली सोप में लड़की की विदाई होती है और वो जाती है अपने ससुराल लेकिन हम यहाँ बाकायदा विदाई दिखा रहे हैं एक लड़की अपने करियर के लिए जा रही है एक विदाई सीन है जहाँ वो शादी करके नहीं जा रही है पर अपने सपने पूरे करने जा रही है आई थिंक वो मैसेज आज के ज़माने में फ़िट करता है क्योंकि लड़कियाँ अब उतनी ही केपेबल है उतनी ही स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेंट है और वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकती हैं जैसे लड़के करते आ रहे हैं आई थिंक फैमिलीज़ को भी ये बात समझनी चाहिए और उन्हें सपोर्ट और इनक्रेज करना चाहिए एंड इस शो के ज़रिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कोई एक ऐसा पंचलाइन जो अभी से अगर आप थोड़ा बहुत हिंट दे दो दर्शकों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राधिका हम और तुम में ही बात करती है मैं और तू नहीं बोलती तू बहुत अपने क्लोज फ्रेंड्स को कह देती है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती अब ये देखना है कैसे मुंबई आने के बाद अगर उसमें कोई असर होगा तो लेकिन आई थिंक ढीठ पटेंगा इज़ द वर्ड दैट हैज स्टक विद मी ये राधिका के कुछ दोस्त कुछ उसे जानने वाले लोग बुलाते हैं क्योंकि राधिका बहुत ढीठ है ये शो कब आ रहा है और कहाँ देखने मिलेगा ये शो आज आ रहा है अभी एक घंटा भी बचा नहीं है सो आई एम वेरी एक्साइटेड अभी लॉन्च होने वाला है सो 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आज से शुरू होने वाला है सपनों की छलांग आपको ये कैरेक्टर करते समय ऐसी कौन सी डिफिकल्टी आई ऐसा कोई मोमेंट जिसके टाइम आपको ऐसा लगा कि हां ये कैरेक्टर करते टाइम मुझे डिफिकल्टी हुई क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप नॉट बॉर्न एग्जैक्टली बट आई एम ब्रॉट अप इन मुंबई तो एक छोटे शहर से जब लड़की आती है मुंबई में तो वो एक्सपीरियंस मैंने कभी किया नहीं है लाइफ में मैं घर से दूर गई नहीं हूँ कभी हमेशा मेरी फैमिली मेरे साथ रही है और वो एक्सपीरियंस एक्चुअली उसके डेप्थ में जाना और समझना कि कैसे एक नए जगह पे आप जब जाते हो तो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना वहाँ के लाइफस्टाइल से एडजस्ट करना नए लोगों से एडजस्ट करना और अपने वैल्यूज़ को साथ में रखते हुए कैसे नई चीज़ें इम्बाइब करना अपने में आई थिंक वो चीज़ों की बारीकियाँ समझने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े पर उसी में ही मज़ा है मुझे बहुत पसंद है जब एक कैरेक्टर चैलेंज करता है मुझे थैंक यू सो मच हमारा ऑलवेज
चांस है तेरा अभी है बाकी अरे मेरे को इधर छोड़ आपसे जानना चाहेंगे बीइंग अ प्रोड्यूसर व्हाई डिड यू चूज द स्क्रिप्ट व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन दैट इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड इट्स नॉट योर रन ऑफ द मिल टेलीविजन एंड दोज आर द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दैट वी लाइक टू डू एंड दिस वाज इट इफ यू टॉक अबाउट द कास्टिंग व्हाट यू वुड लाइक टू से वन थिंग अबाउट माय कास्ट इफ यू सी देम ऑन स्क्रीन एंड यू सी देम ऑफ स्क्रीन दे आर जस्ट द सेम वेल व्हाट यू वुड लाइक टू से टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर So my character's name is Preeti. She is a Punjabi girl, very sweet, very kind. You know, you always have that one person who has that very warm personality. जो आप अगर आप किसी के घर जाओ तो she'll always be like, आपको पानी चाहिए, कुछ चाहिए, खाना चाहिए. So she's that kind of a girl, but she has a very different backstory. She has been through a lot of things in her life, but yet she's that kind of a person who will smile and make others smile, even though she's hurting from inside. So I think that's what the best part about her is that she is a very strong girl, but she has made sure that no one else is being harmed because of her or whatever her past situations are. And if as you see the episodes, you'll know what she has been through. And I'm sure there are a lot of females out there who are going through such situations and they try to seek out help, but there are times when you don't know what to do. So Preeti is in that sort of a position, but she comes out of it and she is a very strong woman, I feel. So yeah, that's what Preeti is. What about the title, See, I roam about a lot and then I realize that wherever you go in India, everybody's ultimate aim is to come to Mumbai. Most of them, I would say majority. So it's that chalang you need to take from wherever you are to Mumbai. And this is all about that. Are we going to see all that Mumbai language in this? Everything, yes. हाँ ऑब्वियसली सो वंस यू आर इन मुंबई वो हमसे अरे अपन वहाँ चलते हैं हमसे कुछ और ही हो जाता है एंड यू नो जब आप चार लड़कियाँ या तो चार दोस्त एक घर में रहते हैं तो अगर किसी दिन बाई नहीं आई तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है या तो जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होते हैं अरे दैट बॉय इज़ नॉट गुड ही इज़ सो क्यूट नेबर कितना अच्छा है यू नो द नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशंस गर्ल्स हैव अबाउट एवरी थिंग दैट इज़ ऑल देयर इन द शो देर इज़ नो एडेड ड्रामा देर इज़ नो सच थिंग एज अननेसेसरी drama that is being added over here. It is so pure, so real that just the conversations we are having right now are the exact same conversations that you'll see in the show. And that's what I like the most about the shows being created by Hiram sir and Nilanjana ma'am obviously. I was there in Dhadkan as well. That was also I think an experience of my lifetime and they have trusted me again with Preeti. So I feel great and it is always a good thing for an actor that you get to play different characters and Preeti is a different character out of all because of her story, because of her lifestyle and everything. So I am very happy that I get to play this character and I hope I do a little bit justice to her. So yeah. Well, जैसे ही सभी को पता चला इसके पहले भी आपने इतने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट सभी को दिए जैसे धड़कन हो गया कुल्फी कुमार बाजेवाला हो गया जब सभी को आपके फ्रेंड्स फैमिली को पता चला ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो क्या कुछ उन्होंने आपको सुना Family, not so much because family is Mumbai based. Right. But most of my friends all over India, they were so excited about it. And let's hope the show does well enough with the TRP. So people were excited about it. See, we have got good comments after watching it. As of now, fan clubs and all, I haven't seen yet yeah, much. Not but yet, but there are. There will be. Yeah, we are sure once the show releases, you eventually get that sort of a fandom or whatever it is. But whatever
like whatever jitna bhi maine promo bataya logo ko everyone was like oh this is so different so unique four girls living in the house struggling having their battles it is genuinely such a show that can be related to every other roommate every other girl who's trying to you know have that chalang in her life to get to achieve all those things so I think yeah are shit mujhe yaad hai ke bol raha hai main aap itni sundar ho ki aap hi pe nazar ja rahi hai wahan ja hi nahi rahi hai Lastly, what you would like to say to all your fans? So, I think you guys should definitely watch this. This show is truly based on all the other girls, all the other people who are trying to build their careers, have the chalang in their life. So, it is all about you. It is not our story. It is your story. So, definitely, and please watch it and let us know. And another thing, whoever has come from out of Mumbai into Mumbai is going to relate with this in a very big way. The fact that you suddenly come to a railway station and see so many people at one time and the language and people do not have time for anything. Exactly. That's something which people are going to see in this. All the best. Thank you. Thank so you. Much. हो गया।